दोस्तों, एक बल्ब को दो जगह से ऑन ऑफ करने के लिए दो टू वे स्विच का यूज किया जाता है और एक बल्ब को दो से अधिक जगह से ऑन ऑफ करने के लिए उसमें इंटरमीडिएट स्विच लगाते हैं और दो टू वे स्विच लगाते हैं। यदि एक बल्ब को तीन जगह से ऑन ऑफ करना है तो उसमें एक इंटरमीडिएट स्विच और दो टू वे स्विच लगाते हैं और यदि एक बल्ब को चार जगह से ऑन ऑफ करना है तो उसके लिए दो इंटरमीडिएट स्विच और दो टू वे स्विच का यूज करते हैं। तो इस तरह से इंटरमीडिएट स्विच लगा के एक बल्ब को अनेक जगह से ऑन ऑफ कर सकते हैं और यदि हमारे पास इंटरमीडिएट स्विच अवेलेबल नहीं होता है तो हम दो टू वे स्विच को मिलाकर एक इंटरमीडिएट स्विच बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दो टू वे स्विच से एक इंटरमीडिएट स्विच कैसे बना सकते हैं और इंटरमीडिएट स्विच का टू वे स्विच से कैसे कनेक्शन कर सकते हैं, इन सभी के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इंटरमीडिएट स्विच बनाने के लिए हमें ज़रूरत होती है दो टू वे स्विच की। तो हमारे पास है यह दो टू वे स्विच। तो इसमें इंटरमीडिएट स्विच बनाने के लिए हमें पहले इन दोनों टू वे स्विच को इस तरह से आपस में चिपकाना है। तो इन दोनों को हमें आपस में चिपकाने के लिए एक मॉड्यूलर बोर्ड की ज़रूरत होगी, जो कि हमारे पास यह इस तरह का मॉड्यूलर बोर्ड है जो कि 6 मॉड्यूलर का है और आप किसी भी तरह का बोर्ड यूज़ कर सकते हैं जिसमें कि दो मॉड्यूलर की जगह होनी चाहिए। तो उसमें हम इस तरह से दोनों टू वे स्विच को फिटिंग कर लेते हैं और इसमें इन दोनों टू वे स्विच को हम चिपकाने के लिए इसमें यूज़ कर रहे हैं एक PVC सॉल्वेंट और आप इसमें किसी भी तरह की सॉल्वेंट का यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसमें पहले PVC सॉल्वेंट को दोनों स्विच के बीच में जो यह गैप है इसमें लगा लेते हैं, जिससे कि ये दोनों स्विच आपस में चिपक जाएंगे। तो इसमें इस तरह को सॉल्वेंट को लगा के इस तरह से चिपका लेते हैं हम। तो इन दोनों स्विच के बीच में इस तरह से सॉल्वेंट लगा के इसे थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ देते हैं और इसमें यह सूख चुकी है लगभग। और इन दोनों स्विचों के बैक साइड में भी हमें थोड़ी सी सॉल्वेंट लगा देनी है। और इसमें इन दोनों कोनों को छोड़ देना है, दोनों कोनों के साइड में नहीं लगाना है, जिससे कि दोनों स्विच बोर्ड से नहीं चिपकेंगे। और 2 से 3 मिनट इसे सूखने के लिए छोड़ देते हैं और उसके बाद हमें इस तरह का केसिंग का टुकड़ा लेना है, नया टुकड़ा या पुराना कैसा भी ले सकते हैं आप। और इस टुकड़े को हमें यहाँ से काट लेना है, आरी से या चाकू से किसी तरह से काट सकते हैं। तो हम इसे यहाँ से काट लेते हैं। तो इस तरह से इसमें केसिंग को काट दिया है इस तरह से और अब हम इसमें केसिंग के टुकड़े को इस तरह से स्विच के ऊपर रख के नाप लेना है। इस तरह से हमें स्विच के ऊपर केसिंग के टुकड़े को चिपकाना है। तो हम इस तरह से नाप के यहाँ से बराबर काट लेते हैं। तो इस तरह से इसमें यह PVC का टुकड़ा काट दिया है, जो कि देख सकते हैं आप केसिंग का टुकड़ा है यह। और इस टुकड़े को हमें इस तरह से स्विच के ऊपर साइड में लास्ट एंड में चिपका देना है। इस तरह से हम इसमें चिपका लेते हैं। और अब इसे 2 से 5 मिनट तक सूखने के लिए छोड़ देते हैं और अब हम इसी तरह से नीचे की साइड में भी इसी तरह से टुकड़ा नाप के काट लेते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से इसमें दूसरा टुकड़ा भी कट चुका है और अब हम इस टुकड़े को भी इस तरह से इसमें चिपका लेते हैं। तो इसमें सॉल्वेंट लगा दी है और इसे चिपका लेते हैं अब हम। तो दोस्तों, इस तरह से ये दोनों चिपक चुके हैं और दोनों टू वे स्विच के बैक साइड में भी हम एक टुकड़ा और चिपका लेते हैं, जो कि केसिंग का टुकड़ा हमने काटा था वही निकला हुआ है, क्योंकि यदि इसमें PVC सॉल्वेंट थोड़ा कम काम करेगी तो भी यह चिपका रह जाएगा। तो उसके लिए हम इसमें थोड़ा और टुकड़ा चिपका लेते हैं केसिंग का। तो इस तरह से यह टुकड़ा काट लिया है और इसमें सॉल्वेंट लगा के हम इसे इस तरह से यहाँ बीचों बीच में चिपका लेते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से यह इसमें भी चिपक चुका है और अब हम इसमें इन दोनों स्विच को इस बोर्ड से बाहर निकाल सकते हैं। तो हम इसमें इन दोनों स्विच को बोर्ड से बाहर निकाल देते हैं, जो कि हमें दोनों स्विच को एक साथ बाहर निकालना है। तो इस तरह से इसमें दोनों स्विच बाहर निकल चुके हैं और पूरी तरह से चिपक चुके हैं। तो इस तरह से यह एक दो मॉड्यूलर का स्विच बन चुका है और अब हम इसे इंटरमीडिएट स्विच बनाने के लिए हम इसमें बैक साइड में वायरिंग कर लेते हैं। तो इसमें हम वायरिंग करने के लिए इसमें यूज़ करते हैं येलो कलर के वायर को। तो इस तरह से इसमें दो टुकड़े काट लिए वायर के। तो इसमें हमें दोनों वायर के टुकड़े को इस तरह से इसमें क्रॉस में कनेक्ट कर लेना है, जो कि हम इसमें इस तरह से कनेक्ट कर लेते हैं वायर को। तो इस तरह से इसमें कनेक्ट कर दिया है
और दूसरे वायर के टुकड़े को भी हमें इसी तरह से इसमें कनेक्ट कर देना है। तो दोस्तों इस तरह से इसमें कम्प्लीटली कनेक्ट हो चुके हैं दोनों ही वायर। और दोनों ही 2A स्विच में 6 टर्मिनल थे जिनमें कि 3 टर्मिनल लिया है और 3 टर्मिनल लिया है। तो इसमें हमने दो वायर को आपस में कनेक्ट करके 4 टर्मिनल को 2 टर्मिनल बना दिया है, यानी कि यह टर्मिनल और यह टर्मिनल एक टर्मिनल हो गया और यह दोनों टर्मिनल मिला के एक टर्मिनल हो गया, यानी कि यह चारों टर्मिनल मिला के 2 टर्मिनल हो गए और 2 टर्मिनल ये बीच वाले टर्मिनल हो गए। यानी कि इस तरह से हमने इसमें वायर कनेक्ट करके इसमें 4 टर्मिनल बना दिए हैं, जो कि इंटरमीडिएट स्विच में भी 4 ही टर्मिनल होते हैं और यह इंटरमीडिएट स्विच हो चुका है और इस तरह से हम इसे ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। और यदि हम इसमें क्रॉस में वायर कनेक्ट करते हैं और यदि इसमें बल्ब नहीं जलता है या ऑन नहीं होता है या फिर ऑफ नहीं होता है तो इसमें हमें दोनों वायर को सीधा कनेक्ट कर देना है, जो कि हमने यहाँ पर क्रॉस में कनेक्ट किया है। तो इन दोनों वायर को आप सीधा कनेक्ट कर सकते हैं और इन दोनों स्विच के बीच में एक इंटरमीडिएट स्विच के टाइप का ही इसमें सिंबल बना देना है, यानी कि निशान बना देना है, जो कि आप परमानेंट मार्कर पेन से बना सकते हैं। तो हम इसमें इस तरह से निशान बना देते हैं। तो इस तरह से आप इसमें इंटरमीडिएट स्विच का निशान बना सकते हैं, सिंबल बना सकते हैं दोनों साइड में। तो दोस्तों इस तरह से आप खुद भी इंटरमीडिएट स्विच बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, और इलेक्ट्रिकल से संबंधित और भी कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना।